हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के स्मॉल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में कई बार छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, मिक्सचर। इनके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होते हैं केमिस्ट्री की बेसिक टर्म्स, क्या होता है एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे छोटा पार्टिकल या सबसे छोटा एलिमेंट भी नहीं कह सकते हम, जो सबसे छोटा कण होता है उसे हम एटॉम कहते हैं, यानी कि विच नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा कहते हैं दैट एटॉम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इतना छोटा कण जिसे ना बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, वो कहलाता है एटम। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंज ऑफ मैटर। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज रेस्ट, मास एंड वॉल्यूम। केमिस्ट्री एक्चुअल में उन चीजों की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज कहलाती है। चेंजेस ऑफ मैटर की कंपोजिशन, स्टडी, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, ये केमिस्ट्री होती है एक्चुअल में। अब मैटर क्या होता है? मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज रेस्ट, मास एंड वॉल्यूम। मैटर वो होता है जो रेस्ट पोजीशन पे हो पर उसका मास एंड वॉल्यूम हो, एंड इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हो उसे मैटर कहते हैं। केमिस्ट्री इज चीफली कंसर्न विद एटम्स, अ बेसिक यूनिट इन केमिस्ट्री एंड देयर इंटरेक्शन विद अदर एटम्स। केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले तो उसकी शुरुआत एटम से ही होती है। एटम सबसे बेसिक और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है केमिस्ट्री की। अब एटम्स क्या होता है ये जान लेते हैं। एंड एटम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। द न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट। यानी कि एटम किसी भी चीज की सबसे छोटी यूनिट को बोला जाता है, सबसे छोटी, सबसे बेसिक यूनिट जो है उसे हम कहते हैं एटम। मैटर की सबसे छोटी यूनिट को यहाँ पर एटम कहा गया है, जिसके सेंट्रल में न्यूक्लियस होती है और वो सराउंड होता है, यानी कि उसके बीच में क्या होती है किसी भी एटम के, न्यूक्लियस होती है और उसके आजू बाजू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी कि ना तो वो नेगेटिवली चार्ज है ना तो वो पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है डिफरेंट ऑर्बिट्स में। अब सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? तो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। किसी भी एटम का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं उसे कह देते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दे मेनली इंक्लूड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मेनली क्या होते हैं? प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। द इलेक्ट्रॉन इज द लीस्ट मैसिव ऑफ दीज पार्टिकल, यानी इन सभी में जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लीस्ट मैसिव होता है, जिसका वेट हम कह सकते हैं होता है 9.11 × 10⁻³⁻¹ kg। इस पे नेगेटिव चार्ज चढ़ा होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पर प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था ये याद रखिएगा, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था 1918 में। इलेक्ट्रॉन को किया था जे जे थॉम्सन ने 1897 में।
न्यूट्रॉन को किया था जेम्स गैडविक ने 1932 में। अब न्यूक्लियस क्या होती है? द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी कि किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट जो होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स एंड दे इंक्लूड मेनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उसे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। उसमें भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आते हैं, न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस हैज पॉजिटिवली चार्ज। अब क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन होता है इसीलिए जो न्यूक्लियस होती है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट, यानी कि मॉलिक्यूल्स एटम्स को मिलके ही बनते हैं। एक या एक से ज्यादा एलिमेंट अगर यूज हो जाए तो वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। सम मॉलिक्यूल्स आर मेड ओनली बाय वन टाइप ऑफ एटम, टू ऑक्सीजन एटम्स बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म O2 मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल एक ही तरह के दो एटम्स को मिला के बनते हैं और कुछ मॉलिक्यूल अलग अलग तरह के एटम्स को मिला के बनते हैं, जैसे कि O2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन हुए हैं और उसने बनाया है एक मॉलिक्यूल। व्हाइल मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एटम फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो वो अलग अलग तरह के एटम को मिलाकर एक मॉलिक्यूल बना हुआ। तो मॉलिक्यूल क्या होता है समझ आ गया होगा। इसके अलावा एलिमेंट क्या होता है? तो अ केमिकल एलिमेंट इज अ प्योर केमिकल सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ वन टाइप ऑफ एटम डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स एटॉमिक नंबर, यानी कि अ केमिकल एलिमेंट इज अ प्योर केमिकल सब्सटेंस। केमिकल एलिमेंट क्या होता है? एक प्योर केमिकल सब्सटेंस होता है जिसमें एक तरह का एटम होता है लेकिन उसके जो एटॉमिक नंबर हैं वो डिफरेंट होते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकन, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, मर्क्यूरी, ये सभी एलिमेंट्स हैं पर इनके अलग अलग एटॉमिक नंबर हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं वो सबसे रेयरेस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स के। आयरन जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बाय मास, यानी अपने वजन के हिसाब से। ऑक्सीजन बहुत ही कॉमन एलिमेंट है, अर्थ क्रस्ट पे आसानी से मिल जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है क्योंकि अर्थ पर, इसलिए एकदम कॉमन एलिमेंट है। द 8 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट बाय मास, यानी कि यहाँ पर 8 ऐसे अबंडेंट एलिमेंट हैं अर्थ क्रस्ट पे यहाँ पर मास के हिसाब से। सबसे पहला तो यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, आयरन 5.0%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1%। इसी रेशो में ये अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं एलिमेंट्स। इसके बाद अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स भी हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। ये सभी का जो कॉम्बिनेशन है उसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल। डेमेट्री, लेविनोविच, मेंडलीव जो हैं उनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। द फर्स्ट डिटेल फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल वॉज डेवलप्ड बाय मेंडलीव, बट लेटर हेनरी गेफ्रे मॉस्ले मेड अ न्यू पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, यानी कि पहले जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी वो मास नंबर के हिसाब से बनाई थी। बाद में फिर हेनरी ने इस एक और नई पीरियोडिक टेबल बनाई जो कि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी। तो मॉस्ले जो हैं, हेनरी मॉस्ले, उन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मेनली मेंडलीव की ही पीरियोडिक टेबल फॉलो की जाती है केमिस्ट्री में। ये पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे आपको जो ग्रीन एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ये नॉन मेटल्स हैं, येल्लो जो है वो अल्कली मेटल्स हैं, ब्लू ट्रांजिशन मेटल्स हैं, फिर यहाँ पर ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं, हैलोजन्स हैं। हैलोजन्स कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनन, वेनन, ये सभी हैलोजन्स होते हैं। इसके बाद इनर्ट गैसेस,
सॉरी ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनन, रेन, ये इनर्ट गैसेस होती हैं, दीज आर नॉट हैलोजन्स, ये इनर्ट गैसेस होती हैं। इसके अलावा ये जो आप येलो में देख रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन्स होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब नेचुरल एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो द एलिमेंट्स विच अकर्स इन नेचुरली ऑन अर्थ आर कॉल्ड नेचुरल एलिमेंट्स, यानी कि वो एलिमेंट्स जो अपने आप ही धरती पर पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं, उन्हें नेचुरल एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पूरे अर्थ पर अपने आप पाई जाती है, नेचुरल है ये, इसीलिए ये नेचुरल एलिमेंट है। नाइट्रोजन है, कार्बन। इसके बाद सिंथेटिक और मैनमेड एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो तो नेचुरल एलिमेंट्स हो गए। सिंथेटिक एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, जो कि नेचुरली अर्थ पे नहीं पाए जाते, जिन्हें आर्टिफिशियली बनाया जाता है, और ये स्टेबल नहीं होते, ये अनस्टेबल होते हैं। द फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट मेड वॉज टेक्नीटियम। अब यहाँ पर पहला सिंथेटिक एलिमेंट जो कि बनाया गया है, ये मैनमेड है, उसका नाम है टेक्नीटियम। ये याद रखिएगा नाम, टेक्नीटियम। टेक्नीटियम पहला मेन मैड यानी कि सिंथेटिक एलिमेंट है। इसके बाद कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, यानी कि एक से ज्यादा तरह के एटम को मिलाकर कंपाउंड बनता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एटम बाय सिंपल मेथड, यानी कि एक कंपाउंड को आप चाहें कि आसानी से वापस एटम्स में सेपरेट कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है किसी भी सिंपल मेथड द्वारा। जैसे कि कॉमन सॉल्ट NaCl, ये एक कंपाउंड है, ये कई तरह के एटम्स को मिलाकर बनाया गया है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये भी डिफरेंट एटम्स को मिलाकर एक कंपाउंड बनाया गया है। अब मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच व्हेन कंबाइंड ईच सब्सटेंस रिटेन इट्स ओन केमिकल आइडेंटिटी। मिक्सचर वो होता है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाया जाता है, उन्हें कंबाइन किया जाता है। ईच सब्सटेंस रिटेन इट्स ओन केमिकल आइडेंटिटी, लेकिन इसके बाद भी उन सब्सटेंस की अपनी एक केमिकल आइडेंटिटी रहती है। जैसे कि सैंड एंड वाटर, अगर आप पानी और रेत को मिलाएंगे तो क्या वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा? नहीं होगा। रेत अलग रह जाएगी, नीचे डिपॉजिट हो जाएगी, और पानी अलग रह जाएगा। तो ये ऐसा मिक्सचर है जो कि आपस में कभी नहीं मिल सकता। दूसरी बात, सॉल्ट एंड वाटर, अगर आप नमक और पानी को मिला देंगे तो डेफिनेटली नमक और पानी पूरी तरीके से मिल जाएगा, घुल जाएगा वो, और इसमें आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप नमक और पानी को मुश्किल ही है कि आप दोबारा सेपरेट कर सकें। शुगर एंड सॉल्ट, अगर आप नमक को शक्कर के साथ मिला देते हैं, अब यहाँ पानी की बात नहीं हो रही है, यू आर नॉट यूजिंग वाटर, तो अगर आप शुगर और सॉल्ट की बात करें, नमक और शक्कर की बात कर रहे हैं, आप इन्हें साथ में मिला देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो शुगर के जो बोल्स होंगे आप छोटे छोटे, वो अलग दिखेंगे और नमक अलग दिखेगा। तो सैंड और वाटर जो है ये एक अलग तरह का मिक्सचर हो गया, सॉल्ट एंड वाटर है एक अलग तरह का मिक्सचर हो गया, और शुगर और सॉल्ट एक अलग तरह का मिक्सचर हो गया। तो ऐसे मिक्सचर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, हिट्रोजिनस, होमोजिनस। होमोजिनस वो होता है जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है, जैसे कि पानी और नमक कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया, इसे हम कहते हैं होमोजिनस। हिट्रोजिनस जो डिजोल्व नहीं होता, जैसे कि सैंड एंड वाटर, रेत और पानी डिजोल्व नहीं होता। तो ये थी कुछ छोटी छोटी केमिस्ट्री के टर्म्स की, मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट्स, अटॉम्स, मॉलिक्यूल्स। इनके बारे में हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज सभी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।